हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निम्मी पैटर्न पर आधारित वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 76.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? राइट आंसर सी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का व्यास क्या होगा यदि वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर बी 1473.66 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर बी 549.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर ए 27,475 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका OD 38 mm और ID 32 mm हो? राइट आंसर बी 329.7 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके समबाहु त्रिभुज का आकार 20 मिलीमीटर है? राइट आंसर सी 3,026.8 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वर्ग आकार 300 मिलीमीटर है? राइट आंसर डी 58,600 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? राइट आंसर डी 1,075 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 14x+3y+25x+2y का मान होगा? राइट आंसर सी 39x+5y। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a² b * 8a⁵ b³ का गुणन मान क्या है? राइट आंसर ए 40a⁷ b⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x+15/5x+25 का सरलीकृत मान क्या है? राइट आंसर बी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान क्या होगा यदि 13+x=20? राइट आंसर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान क्या होगा यदि x×120=960? राइट आंसर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁻m×a⁻n के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर ए a⁻m+n। नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁻m/a⁻n के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर बी a⁻m-n। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 के लिए किसी भी संख्या का मान क्या होता है? राइट आंसर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/a⁻m का मान क्या है? राइट आंसर बी a⁻¹m। नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁻m/n किसके बराबर है? राइट आंसर डी a⁻m×n। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b² का विस्तार होगा? राइट आंसर ए a² + 2ab + b². नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁻¹² के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर ए a² - 2ab + b². नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b² - a⁻¹² किसके बराबर होगा? राइट आंसर सी 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² + a³ × a⁴ का मान क्या होगा? राइट आंसर डी a⁴¹।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर 5 की पावर 7 का मान क्या होगा? राइट आंसर ए, ए की पावर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 की पावर 0 का मान क्या होगा? राइट आंसर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/(a) की पावर -k 5 का मान क्या है? राइट आंसर ए, ए की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x की पावर 4/5x की पावर 3 का मान क्या होगा? राइट आंसर सी, x। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x-4x² + 2y² में से 4y² - 2x + 8x² घटाने पर मान होगा? राइट आंसर ए, 2y² - 5x + 12x². नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x+2y, 4x-7z और 15z-3y को जोड़ने पर मान होगा? राइट आंसर ए, 9x-y + 8z। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12x³/4x² y का मान होगा? राइट आंसर सी, 3xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें यदि 3(-2x-4)-(-4x+28). राइट आंसर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें यदि x+2/2)-19। राइट आंसर डी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें यदि 11x+4)-37। राइट आंसर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a³+b³ का विस्तार होगा? राइट आंसर बी, a+b² + b² - ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b+c का होल स्क्वायर का विस्तार होगा? राइट आंसर ए, a²+b² + c² + 2(ab+bc+ca)। नेक्स्ट क्वेश्चन, a³-b³ का विस्तार होगा? राइट आंसर बी, a²+b² + ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6³/3 का मान होगा? राइट आंसर बी, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, x²-y² का मान होगा यदि x+y=9, x-y=4। राइट आंसर सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान क्या होगा यदि x-y=6 और x+y=8? राइट आंसर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b=9 और ab=20 हो तो a²+b² का मान क्या होगा? राइट आंसर सी, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, ab का मान होगा यदि a+b²+36, a-b²+24। राइट आंसर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x=3, y=2 हो तो x³+3y² * x² का मान क्या होगा? राइट आंसर ए, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राशि 42 है तो लगातार 3 संख्याएं क्या हैं? राइट आंसर सी, 13, 14, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर ए, नायलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सी है? राइट आंसर डी, विनाइल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है? राइट आंसर सी, 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयाम में परिवर्तन के बीच
का अनुपात क्या है? राइट आंसर बी, बीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकृति की इकाई क्या है? राइट आंसर डी, नो यूनिट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।